हाय फ्रेंड्स, तो मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समय निकाल कर पूरा देख लीजिएगा। ये जो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, ये यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है। लोग बाग कहते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में कोई पेड़ वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी हरियाली रहती है। आजकल क्या है, यहाँ पर समय पर बारिश वगैरह हो रही है, अच्छा यहाँ पर मौसम है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है बेहिसाब लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको आज, थोड़ा बड़ा व्लॉग है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि एक घंटे का हो जाए, छोटा मतलब लगभग 4 मिनट का व्लॉग होगा। और आप देखिएगा यहाँ पर जो पेड़ है, ये जो पेड़ है ये खेजड़ी का पेड़ है, जो मैंने आपको सोर्स में दिखाया था। खेजड़ी के पेड़ पर सांगरी की फलियां लगती हैं, यहाँ के लोग खाते हैं इसको। और ऊँट वगैरह मतलब जो यहाँ पर पशु होते हैं, जो भी यहाँ पर पशु हैं, इसकी फलियों को अच्छे तरीके से खा लेते हैं। मतलब काफ़ी फेमस फलियां हैं और लोग बाग यहाँ की इस फलियों की डिश बना देते हैं। ये फलियाँ जो हैं यहाँ पर आते आते अब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो सूखने स्टार्ट हो जाती हैं, लगभग अब सूख ही गई हैं ये। लेकिन पेड़ आपको दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से। ये पेड़ है आपका, ये पेड़ जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पेड़ बड़े बड़े, यहाँ पे जो बड़े पेड़ होते हैं, यहाँ पे सफ़ेदा वगैरह, शीशम वगैरह, ये जो हमारे ये नहीं होते, बल्कि यहाँ पर सांगरी जो खेजड़ी का पेड़ है, फेमस पेड़ है यहाँ का, ठीक है। तब खेजड़ी बहुत होती है, और मैंने आपको सोर्स में बताया था कि यहाँ पर खीप की घास होती है और फोक की घास होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ खीप क्या होता है, फोक क्या होता है। ये आपको दिन में साफ दिखाई देगा। ये वो खीप का पेड़ है, इसे यहाँ के जानवर खाते नहीं है। बड़ा हार्ड होता है, देखिए इस पर बिल्कुल हार्ड है, एकदम टोटल हार्ड है यहाँ पर। तो ये वाला पेड़ जो है, इसको यूज नहीं करते खाने के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवर, लेकिन इसके पास ये फोक जो घास होती है, बड़ी मुलायम घास होती है, ये वाली घास जो है फोक घास, ये बड़ा मतलब प्रिय भोजन है यहाँ के रहने वाले जानवरों का, ये जो फोक घास है ये वाली, ठीक है। ये फोक घास बड़ी मुलायम घास है, देखो देखो कितने अच्छे तरीके से। लेकिन खीप को पकड़ के दिखाता हूँ आपको, ये मेरे हाथ में लग जाएगी और फाड़ देगी, और देखो कितना मतलब हार्ड घास है ये, इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखो हाथ में लग जाएगी, फिर ये मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप तो आओगे नहीं, तो मैं छोड़ ही देता हूँ इसको। इसको देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं, तो वो कितना बेहतरीन एकदम टूट गया है, ठीक है। तो बड़ा मुलायम घास है, आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। और ये बाकी यहाँ पर छोटे मोटे पेड़ पौधे, और इधर के मतलब पेड़ों में एक ख़ास बात और आपको बताता हूँ कि देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है। मैं रुकता हूँ और चारों को दिखाता हूँ आपको, आप समझ रहे होंगे कि कहीं से भी लोग ऐसे ही शूट कर रहा है, फिलहाल तो हमारा बना रहा है, ऐसी कुछ नहीं है, बना रहा नहीं रहा हूँ मैं। जैसलमेर का जो रेगिस्तानी लगा वो दिखा रहा हूँ, ये सब खेजड़ी के पेड़ तब को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आनंद लीजिए पूरा, देखिए, और मैं छोटे छोटे व्लॉग बना के डालता रहूँगा, ठीक है। देखो ऊँट दिखाता हूँ मैं आपको, आप समझ रहे होगे ऊँट नहीं है, लेकिन ऊँट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ रहा ऊँट, दिख रहा है नहीं आपको, ठीक है। ये ऊँट, ये जो है ऊँट कहते हैं, ये ऊँट है, लेकिन ये अगर पीछे पड़ जाता है तो देखो देख रहा है मेरी तरफ को, मैं क्रॉस नहीं करूँगा, ये बहुत खतरनाक प्रजाति है। ये आप सोच रहे होंगे ये केवल फन के लिए, नहीं, जब जाड़े होते हैं ना तो ये फन का फन ही बना देता है आदमी को, बहुत खतरनाक होता है। ये पीछे पड़ जाता है, गर्दन मरोड़ देता, टांग पकड़ लेता, देखो ये खाने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऊँट, काफ़ी ऊँट है यहाँ पर, समूह बना के चलते हैं, लेकिन थोड़ा बच के रहना चाहिए इससे, ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में आप इसके पास में चले गए या मैं भी चला गया, जाकर देखता हूँ फिर भी मैं, पीछे भागना शुरू कर देगा ना तो मैं क्या करूँगा, भागना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये ऊँट है, देखो वो खड़े ना ऊँट उधर पीछे खड़े हैं, आपको दिखा दे रहे होंगे वीडियो में, वो उधर खड़े हैं, वो कुछ खा रहे हैं, देखो सांगरी का फल खा रहे हैं ना, वो सांगरी का फल खा रहे हैं उधर,
ये ऊँट पीछे पड़ सकते हैं, मैं इधर इधर से चला जाता हूँ, इधर से चला जाता हूँ। देखो वो पूरा पीछे पड़ के तो कौन फिर जाएगी, पीछे पड़ जाते हैं ऊँट रियली। मैं मतलब आप यहाँ पर नहीं है, जिस समय आप यहाँ पर आके देखेंगे ना पता चलेगा आपको बहुत खतरनाक पड़ जाती है ये ऊँट। मांसाहारी तो नहीं है लेकिन इनके समूह में जाना ठीक नहीं है, अकेले आदमी को दबोचना। देखो ये सब सांगरी का उठा उठा के खा रहे हैं, मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो है इस सांगरी के पेड़ पर खा रहे हैं, पत्ती उत्ती सब पेल लेते हैं, देखो देख रहे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ से चलना ही ठीक है क्योंकि आप तो मजा ले रहे हो, देख रहे हो आराम से वीडियो शूट करने वाले की हो जाती है एकदम किरकिरी, ठीक है। तो पूरा रेगिस्तानी इलाका एकदम मस्त वाला, ठीक। एक देखो कैसे कर रहा, हाय करते हैं, हाय हाय, ये हमें कर देगा टाटा, ठीक है। ये आपका ये ठीक, ये आपका खा रहा है वो उधर। थोड़ा पाँच से चलने की कोशिश करते हैं, भागना पड़ेगा फिर यहाँ से। चलो सही है, ये ऊँट जो है पीछे मुड़ गया, बाकी ज़्यादा क्लोज नहीं जाना इसके, ठीक नहीं है। देखो एक खड़ा एक उधर पेड़ की ओर में आ गया है, ठीक है। ये आपका ये तो आप फेमस ना तक वो खड़ा है, ठीक है ओके। फिर अगले व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे। तो मेरे इस आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे शॉर्ट्स का आनंद उठाइए, और मेरे वीडियोस जो ब्लॉग वीडियो होती हैं उनका भी आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।